ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें, जो गणित का पेपर है उसमें एक नंबर में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है उसको समझते हैं और इसका सॉल्यूशन हल करते हैं, ठीक है? यदि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो और ये दे रखा आप लोगों को, हो तो इस एक्स का मान बताना है, ठीक है? अब देखो समझो इसको, एक त्रिभुज दे रखा आप लोगों को एबीसी, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एबीसी अपनों ने त्रिभुज बना लिया, ए बी सी, ठीक है? त्रिभुज बना लिया अपनों ने। अब अपनों को त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब देखो बीसी भुजा ये रही, बी और सी इसका मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच में, ये डी दे रखा है, मध्य बिंदु डी हो तो अपन को ए बी की घात 2 + AC की घात 2 = x कोष्टक बी डी की घात 2 + AD की घात 2, तो इस x का मान बताना, ठीक है? अब देखो क्या करो, इस ए को इस डी से मिला दो, ठीक है? अब देखो इसको अपने को पता है नहीं, पर अपने को मानना है कि यहाँ जो मध्य बिंदु है ना, ये 90 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 90, ठीक है? ठीक है, अपने को बताया नहीं गया है कि ये डी मध्य बिंदु तो है, पर अपने को ये नहीं बताया कि ये डी जो है ये लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने को क्या करना है, मान लेना है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मध्य बिंदु है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो आगे समझो, अब देखो यहाँ पे समझना, ये मध्य बिंदु है, ये डी मध्य बिंदु है, तो ये वाली जो दूरी है ये वाली दूरी के बराबर होगी, मतलब देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी मध्य बिंदु है बी सी का, मध्य बिंदु मतलब मध्य में, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, देखो ये वाली और ये वाली दोनों क्या हो जाएगी? बराबर, ठीक है? आपको समझ में आया पूरा? अब देखो मैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी की बात कर रहा हूँ, ए बी और डी। अब देखो ये एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है? तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी डी क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने की जो ये भुजा है ये कर्ण है अपनी, ठीक है? ये अपना हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा नीचे वाला आधार, ठीक है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण की घात 2 = आधार का आधार की घात 2 + लंब की घात 2। कर्ण क्या है अपना? ए बी, तो ये ए बी की घात 2 = आधार क्या है? आधार है अपना बी से लेके डी तक, तो बी डी, तो ये बी डी की घात 2 + लंब कितना है अपना? ए डी, तो ये ए डी की घात 2, ठीक है? ये तो हो गया अपना त्रिभुज ए बी डी में। अब ऐसा का ऐसा ही अपन कर लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में वापस वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण की घात 2 = आधार की घात 2 + लंब की घात 2। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण है इधर वाला, तो इसके सामने एक भुजा ये क्या हो जाएगी? कर्ण, ये अपना लंब है, ये अपना हो जाएगा आधार, ठीक है? आधा, तो कर्ण का मान हो जाएगा अपना ए सी, तो ये ए सी की घात 2 = आधार, आधार है अपना डी सी, डी सी की घात 2 + लंबे अपना ए डी, तो ये ए डी की घात 2, ठीक है? अब इसको तो मान लो आप समीकरण 1 और इसको मान लो आप समीकरण 2, ठीक? अब इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है? तो देखो बराबर के इधर, देखो बराबर के इधर क्या है? ए बी स्क्वायर, और बराबर के इधर क्या है? ए सी स्क्वायर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो ए बी की घात 2 + ए सी की घात 2 = ये दोनों लिखूंगा मैं, बी डी की घात 2 + ए डी की घात 2 + इधर डी सी की घात 2 + ए डी की घात 2। अब देखो ए डी
और ए डी, तो कितने ए डी हो जाएंगे, दो ए डी। ठीक है, अब देखो बी डी, बी डी और डी सी। देखो बी डी बराबर क्या है, डी सी है। तो मैं देखो यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में हो, यहाँ अपने को दे रखा है तो ए डी दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, बी डी, बी डी दे रखा है। तो ये डी सी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डी सी की जगह क्या लिखूंगा मैं, बी डी लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इस डी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। तो देखो ए बी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2 बराबर, देखो ए डी और ए डी ये तो हो जाएंगे 2 ए डी का, ए डी की घात 2 प्लस ये बी डी की घात 2 प्लस इस डी सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, बी डी। डी सी की जगह क्या लिख दिया, बी डी, क्यों दोनों बराबर है। तो डी सी की जगह लिख दिया मैंने बी और डी, इसकी घात कितनी होगी, 2। ठीक है, अब देखो ये 2 ए डी की घात 2 प्लस बी डी और बी डी कितने हो जाएंगे, 2 बी डी की घात 2। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को क्या ले लो बाहर, कॉमन ले लो, तो 2 इधर आ जाएगा ए डी की घात 2 प्लस बी डी की घात 2। ठीक है, और इधर है अपना ए बी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2। अब देखो इस एक्स की जगह क्या आएगा, तो आपको मालूम हो गया होगा कि एक्स की जगह क्या आएगा, 2। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या है, देखो ये और ये सेम है इसमें, तो एक्स की जगह क्या है, 2 है। आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।